सुभाष चंद्र महाविद्यालय की गौरव एवं गरिमा के प्रति आदरणीय प्रबंधक है। ज्ञान एवं अनुभव से अभिभूत जीवन के सौंदर्य के पार्थिव माननीय मुख्य अतिथि जी, सुभाष चंद्र महाविद्यालय के मार्गदर्शक के रूप में आदरणीय डायरेक्टर सर, श्रद्धेय प्राचार्य जी, मुख्याचार्य जी, सम्मानित शिक्षकगण, छात्र एवं छात्राएं, आज का दिन महाविद्यालय के लिए बड़ा ही गौरव का क्षण है, क्योंकि चिंतन की
गहराई की आज कोई भी ऐसी समस्या नहीं है, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर की बात की जाए चाहे वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात की जाए, कि उसका समाधान उसने न दिए। ये अलग बात है कि हम उनके विचारों को अपनी जरूरत के अनुसार यूज करते हैं, ये अलग बात है कि हम उनके विचारों को अपने स्वार्थ तरीके से देखते हैं, यूज एंड थ्रो की दृष्टि से उनके विचारों को लेते हैं, लेकिन कभी भी उनका ऐसा विचार नहीं रहा है। उन्होंने बताया कि शिक्षा मानव जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और जो उनका शिक्षा पे आधारित हूँ, आप लोगों के बीच में मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर राजेंद्र यादव जो आकर के हम लोगों को आराधित कर रहे हैं और हम लोगों की गरिमा को बढ़ाते हुए हम लोगों को प्रसन्नचित कर रहे हैं, तो हम उनसे अनुरोध करेंगे कि सर आए और इस ज्ञान की प्यासी भूमि पर अपनी ज्ञान रूपी गंगा का प्रवाह इस तरह करें कि हम सभी लोगों को ज्ञान रूपी गंगा में डुबकी लगाने का प्रयास, डुबकी लगाने का अवसर प्राप्त हो। तो हम अपने बाड़ी को जो हमें बताया कि सर के पास समय नहीं है, तो इन सब शब्दों को हम समेटते हुए हम हमारे बीच में अतिथि के रूप में अतिथि देव भवन, जैसा कि कहा गया है हमारे देश की परंपरा हमारे देश की संस्कृति इसी शब्द पे आधारित हुई थी, तो वो आए और अपने विचारों से अभिभूत हमें करें। माननीय डॉक्टर साहब राजेंद्र यादव, नदी के किनारे एकांत वातावरण में बयात नहीं होते थे, उसमें आचार्य रहते थे,
अब क्योंकि आचार्य क्या होता है, आचार्य का मतलब गुरु से, आचार्य शब्द की उत्पत्ति अगर भाषा विज्ञान आगे पढ़ोगे तो आचरण से हुई है। तो आचार्य क्या करता है, अपने आचरण का समावेश विद्यार्थी में करता और विद्यार्थी को ग्रहण करता है। और छात्र क्या है, छात्र जो है संस्कृत भाषा के छात्र, छात्र उसे बनाया है, संस्कृत प्रयोग नहीं पढ़ो पढ़ लेना थोड़ा बहुत, छत का मतलब आच्छादित कर लेने से, लोग अपने आचार और गुरु के आचरण को भी आच्छादित कर ले, उसको मैं गुरु यहाँ तक जाना, कुछ आचार्य इन्होंने उनके घर पर जाकर पढ़ा देते थे, लेकिन बहुत काल में इसको चेंज किया उसने और कहा कि बच्चों को भी अधिकार है मठों और विहारों में भिक्षु ही बनकर, तो भिक्षु कहा जाता बस विद्यार्थी को, भिक्षु विद्यार्थी को, तो यह सब किस प्रकार से शिक्षा ग्रहण करते हुए चले आया, सात कंट्री झटके से बताता जा रहा हूँ। आया तुम्हारा मध्यकाल, मध्यकाल में भारतीय शिक्षा का क्या हो गया, लोप हो गया, क्यों हो गया, इसलिए कि इस्लाम काल की जो पूरी शिक्षा थी वह धर्म पर, इस्लामिक धर्म पर आधारित थी और वो मकतब और मदरसों में दी जाती थी, तो जो हिंदू या अन्य प्राप्त होते उस शिक्षा से गुजरी लगभग कई सौ परिसर बची। अब धीरे धीरे जब इस्लाम काल समाप्त होता है, इंडिया कंपनी की स्थापना कितने में हुई, कौन बताएगा लड़का हुआ, इस बता दिया 1600 ईस्वी में हो गई। आप देखो ईस्ट इंडिया कंपनी के स्थापना का उद्देश्य डच और क्या फ्रांसीसी और अंग्रेज, यह तीनों भारत में आए व्यापार करने के उद्देश्य से, उन्होंने देखा कि भारतवर्ष में छोटे छोटे राजा है, एक राजा का दूसरे राजा से पड़ती नहीं है, आर्गनाइज पूरा देश नहीं है, इसलिए यहाँ तो बहुत बढ़िया है, यहाँ राज्य करने लाएगा, जिन व्यापारियों ने जो सामान वहाँ यहाँ नहीं होती थी उसको ला देते, यहाँ वहां तो नहीं होती थी यहाँ से जाकर जो मंदी में। अब उन लोगों ने जब बताया तब बड़े चालाकी के साथ 1757 ईस्वी लॉर्ड क्लाइव को अंग्रेजों ने छोटी सी सेना देकर भारतवर्ष में भेजा। लॉर्ड क्लाइव कहाँ आया, बंगाल में, सबसे पहले बंगाल में उस समय किसका राज्य था, सिराजउद्दौला था, उससे युद्ध किया प्लासी के मैदान में, युद्ध में हरा कर अंग्रेजी राज्य यहीं से था, कितने से 1757। इसके बाद जब अंग्रेज यहाँ आने लगे तो अपने बाल बच्चों की शिक्षा की योग्यता सबसे पहले देखने लगे, भारतीयों की नहीं पहले अपने लिए, उन्होंने प्राथमिक से लेकर हायर एजुकेशन के स्कूल भी खोला यहाँ धीरे धीरे शुरू किया। बनारस में सबसे पहले कौन सा कॉलेज खुला होगा 1791 ईस्वी में, कितने में 1791 ईस्वी में संस्कृत गवर्नमेंट कॉलेज हिंदू विधि कानून और हिंदू अच्छा के लिए खुला गया, ज्ञान के लिए खुला गया। और इससे 10 वर्ष पहले 1781 में बंगाल में इस्लामोफोबिया उच्च कोटि के मदरसे की स्थापना की गई, जहां से आपके आदि भारत के इतिहास यहीं से शुरू हो जाता है, जिसको तुम पढ़ते आगे बढ़ते हो तो बताते हैं। अब धीरे धीरे आगे चलकर 1800 ईस्वी में अंग्रेजों ने जो शिक्षा की योजना तैयार किया कि नहीं शिक्षा किस प्रकार की हो, उच्च कोटि के स्कूल भी खोले जाए, प्राथमिक भी खोले जाए, क्योंकि माध्यमिक बोर्ड नहीं था, तो अब तुम कहोगे कि आप ये हाई स्कूल से पास होते हो, इसलिए अपने कार्यक्रमों को लिखा था कि हे प्रिय भगवान दास गुप्ता जी, गांधी जी, मैं जापान में एक ऐसी संस्था देखा है और मेरी इच्छा है भारतवर्ष के काशी जी, देखिए क्या लेकर का भाव है, काशी जी में इस प्रकार के महाविद्यालय की स्थापना आप लोगों के द्वारा की जाए, यह संस्था यहाँ की सरकार से किसी प्रकार का अनुदान नहीं लेती है, इस संस्था में जो विद्यार्थी पढ़ते हैं वो राष्ट्र के प्रति समर्पित रहते हैं, अर्थात इनके अंदर जो है राष्ट्रीय सोच रहती है, इसलिए मेरी भी इच्छा है काशी जी में जो है इस प्रकार के महाविद्यालय की स्थापना की जाए। उन्हीं के लेकर के आधार पर मिंट हाउस में बनारस महाराजा बनारस, दरभंगा गणेश और भोला पासवान बिहार के थे बहुत बड़े आदमी, उस समय तीनों के अध्यक्षता में यहाँ एक मीटिंग हुई, इसके चंदा इकट्ठा किया गया और ठीक वो क्या होता बसंत पंचमी 1921 गांधी जी के कर कमलों द्वारा जो है काशी विद्यापीठ क्या हुआ किया गया। इसके स्थापना का उद्देश्य राष्ट्रीय चेतना
बच्चों ने क्या उत्पन्न करना, राष्ट्र की चेतना उत्पन्न करने के नियत से इस विद्यापीठ की स्थापना हुई थी। जब तक अपना अलग इतिहास है पूरे भारत के विश्वविद्यालय का, तो कहने का तात्पर्य यह है कि गांधी जी का जो विचार वो विचार ही नहीं था, गांधी जी स्वयं में प्रयोग और स्वयं में प्रयोगशाला थे। उनका पूरा जीवन गांधी जी के शब्द की खोज की तरफ पढ़िए या उनके मैंने आत्मकथा को पढ़िए तो गांधी ने अपने को कहीं छुपाया नहीं है। हमने पढ़ा है गांधी जी, उन्होंने जो जो कुछ किया काम अपने दो बच्चों एक भतीजे को लेकर गए। अब विदेशों में गई है तो सती कि आप विदेश से आए हैं, हाँ हाँ कहाँ गए इंडिया रहने के लिए, आपकी शादी हुई है, कह दीजिए कि हाँ तब तो मकान वकान मिलता था, कहते नहीं कह दिए शादी हुई है नहीं मिलता, कहते नहीं हुई है तो मकान मिल जाता था। तो ये कह दीजिए तो फिर कहे कि बात गड़बड़ हुआ, हमने झूठ बोल दिया मकान के लिए, झूठ बोल दिया, मिल तो गया आए घूमते खाते दिन भर कुछ खाए नहीं, घूमते उठाए तो वो अंग्रेज जो महिला थी उसने पूछा अरे भाई गांधी तू बड़ा मुझाए हो क्या बात कर, माता जी हमसे गलती हो गई है, तुम्हें क्या कल मेरी शादी हुई है हमारे बच्चे हैं और हमने आपसे झूठ बोल दिया था कि मेरी शादी नहीं हुई, तो मुझे माफ कर दीजिए और मैं अपना कम मकान ले लीजिए मैं कहीं रहूंगा। तो वो फिर मैं भर गई हमें चलिए इतना बुरा आदमी कि गलती तो किया ही उसको शिकार भी कर लिया तुरंत, तो कहेंगे नहीं ठीक है तुम रहो इसमें से बचाओ। फिर गांधी जी का अपना पत्नी सिवाय क्या करते हैं फोटो और उसके बाद हरमुनिया उमिया सीखने के लिए दो चार दिन प्रयास करके नाना प्रकार का हर चीज का प्रयोग करते रहे, लेकिन चीजों के लिए खराब खर्चों को छोड़ता हट जाते थे, लेकिन यह चीज अच्छी नहीं है। इसलिए देखिए आप लोग अपने टीम में जो गलतियां करते जाते हो उसको प्रतिदिन उसका परित्याग करते जाओ, जब क्या करोगे तो अच्छी चीजें तुम्हारे सामने एकदम दिन प्रतिदिन दिखाई देने लगेगी। जैसा कि गांधी जी जानते हो जब दक्षिणी अफ्रीका वहां से बात हाईस्कूल के बाद लंदन में जाकर जाएंगे क्या करते वकील बनने के लिए, तो वहां से बनकर आए तो कहाँ आए अपने यहाँ आए वहां कोर्ट में बिठाए गए एक वकील से कहा भाई जी घर पहले के लिए आए थे पहले तो पढ़कर कह दिया ड्राफ्टिंग क्यों कर रहा कोई झगड़ा थी झगड़ रहती तो दूर की थी केस। तो गांधी जी ने उनका क्या क्या किया साहब ऐसा था हमारा ढंग बचाओ कर रखा जब तुम वही लिख रहे हो तो कैसे इसको बचा सकते हो साहब, तो हम क्या कर सकते हैं इसमें मारा है तो हम किसी लिखते कि नहीं मारा है, तुम जाओ नहीं चाहते हो तुम नहीं नौकरी कर सकते हो। इसके बाद उनको मुंबई भेजा गया तो मुंबई का एक बहुत बड़ा मुसलमान व्यापारी था जो दक्षिण अफ्रीका और अफ्रीका में उसका बड़ा भारी रोजगार था, लोग कहे इनको भेज दीजिए चले गया वहीं कहा अफ्रीका, अफ्रीका गए तो वहां अंग्रेज जो इनके साथ सलूक किए देखिए बताएंगे उनका प्रयोग कहाँ कहाँ होगा। तो जब अंग्रेजों ने कहा कि नीचे में लोग कह रहे हम दोनों कुर्सी बैठेंगे तो दूसरा पड़ा का खाए गांधी जी बेचारे नीचे बैठे कोई कसम खाया कि अंग्रेजों को राज समझे हमको भगा करने पड़े क्या लगता है। तो वहां की मीडिया मजदूरों का इन्होंने बात शुरू किया उन लोगों की लड़ाई करी कहा अफ्रीका इसराइल लौट कर आए तो यहाँ आने के बाद आपके चंपारण पड़ता है यहाँ हमने चंपारण में उस समय अंग्रेजों ने किसानों के ऊपर थोड़ी सभा किया था तो गांधी जी यहाँ से जो है चंपारण जा रहे थे छोटी लाइन थी ट्रेन छोटी लाइन जानी थी और बड़ी ब्रॉडगेज और मीटर गेज की थी जो अब ब्रॉडगेज में चल गई है उसे जा रहे थे। गांधी जी के भाषण सुनने के लिए लोग आ रहे थे दौड़ते हुए चचर तपति स्टेशन दूर से जा रहे थे कुछ लड़के तुम्हें लोगों से दौड़ रहे थे तो गांधी जी अपना कुर्सी जो लकड़ी वाली वो बैठे हुए थे तो उन सब डंडा के लेकर बैठे हुए थे तो सब उन्होंने गांधी जी को ढके दी तो उन्होंने गांधी जी को ढके दिया था। सोचो कि गांधी क्या थे क्या धैर्य था क्या साहस था क्या उनका चरित्र था, लेकिन आज के लोग होते हम लोग होते थे क्या करते भगवान जानते। तो वहां जब चले तो उनकी लोग लेकर बहुत बड़ा उसको नेता भी बना दिया वो सब बहुत उन्होंने भक्ति के बने और गांधी जी वहां जाकर जो है किसानों का सम्मेलन किया तमाम जो है अंग्रेजों का विरोध हुआ अंग्रेज इनको पकड़े इसके बाद पैसे कैसे बेचारे छूटे छूटने के बाद आकर गांधी जी क्या करते हैं फिर सत्याग्रह करते हैं आंदोलन करते हैं लेकिन इनके सारे
भाषा से दूर। लोग कहते हैं कि अगर सुभाष चंद्र बोस नहीं होते, भगत सिंह नहीं होते तो देश आजाद नहीं हुआ होता। लेकिन कितने लोग ऐसे आए गए होंगे, मार डालते काट डालते, हजारों लोग मारे गए हिंदुस्तान में इस बात नहीं, लेकिन लोगों का उनका भी योगदान रहा। उनको भी नकारा नहीं जा सकता कि नहीं ये नहीं होता। तो ऐसी स्थितियों में गांधी जी जो है ये करते थे कि भाई हम स्वदेशी चीजों का बहिष्कार करेंगे। वो कौन सा आंदोलन था? असहयोग आंदोलन। कौन सा? हम तुम्हारा नमक नहीं खाएंगे। दुश्मन का नमक खाने से जो है थोड़ा सा गड़बड़ी आ सकती है, लिहाजा हम स्वयं नमक बनाएंगे। आप सुन लो कैसे नमक बनाते थे। रे तुम लोगों ने देखा नहीं है, रे जानती हो? सुना खेतों में खेत सफेद हो जाता था, उसको हम लोग बचपन में बटोरते थे। बटोर के उस समय साबुन बहुत कम हुआ करता था। घर पर आते थे रविवार को जो है उसी में स्नान दिया जाता था, फिर कपड़ा खींचा जाता था, धूप साफ हो जाता था। ठीक उसी रेह से नमक गांधी ने बनवाया और कहा कि आप स्वयं बनाइए और स्वयं खाइए। इसके बाद उन्होंने कहा कि इनके स्वदेशी कपड़ों का बहिष्कार करो, उठाओ सूत और पतली, उठाओ चरखा। स्वयं गांधी जी ने चरखा काटा है। गांधी जी का आश्रम कहाँ है? साबरमती नदी के किनारे अहमदाबाद में। उस समय तो उस समय 100 रुपए की रुपया बनाई गई थी और छुआ छूट कहाँ था? चरम सीमा पर। मैंने जो अनुसूचित लोग है उनको लोग कहते थे कि सामने मत करो। गांधी ने कहा कि चार लड़कियां अनुसूचित जाति मेरे आश्रम में रोजगार में रखी जाए। चार लड़कियों को आकर देखिए छुआछूत की बीमारी का उन्होंने प्रयोग किया ना कि नहीं कोई छुआछूत की बीमारी नहीं होती है, आदमी है मनुष्य है, इसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो एक प्रयोग इनका यह रहा छुआछूत पर। और अटली वाला जो प्रयोग रहा छूट वाला, उससे आप स्वयं अपनी वस्त्र को निर्मित बनाएंगे और अपना स्वयं स्वदेशी चीज अपना ग्रहण करेंगे। वैसे शिक्षा के लिए उन्होंने कहा कि देखो मन सभी और आत्मा वही जानना चाहिए। आओ आओ शिक्षा को बताइए बढ़िया से बताइए तुम बताइए। नाम बताइए। बताओ क्या उद्देश्य है, बताओ जानी को। मेरा नाम स्नेहा पटेल है, मैं बीए फर्स्ट सेमेस्टर की छात्रा हूँ। मैं सुभाष चंद्र महाविद्यालय से शिक्षा प्राप्त कर रही हूँ और मैं शिक्षा के महत्व शिक्षा के निम्नलिखित उद्देश्य है। नैतिकता का विकास। व्यक्ति में नैतिकता का विकास एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। इससे व्यक्ति के आचरण और उसके अंदर के गुणों को विकसित किया जाता है। प्रिया चिकित्सा सिंह उपस्थित
बिरादरी हूँ। आज हम सभी लोगों के बीच में हमारे मुख्य अतिथि के रूप में प्रोफेसर डॉक्टर राजदेव सिंह यादव जी, आधुनिक संदर्भ में गांधी जी के प्रयोग महत्वपूर्ण बिंदु पर व्याख्यान देने के लिए हम सभी लोगों के बीच में उपस्थित हुए। सर्वप्रथम सर जी, मैं इस संस्था की तरफ से, अपने प्यारे बच्चों की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं और आपका आभार व्यक्त करते हैं कि आपने अपना अमूल्य समय निकालकर हमें यहाँ पे आने का पधारने का कष्ट दिए। प्रोफेसर साहब संता पीटी कॉलेज के प्रचार भी रहे हैं, पूर्वांचल विद्यालय के मेंबर भी रहे हैं, शिक्षा शास्त्र विभाग के विभागाध्यक्ष भी रहे हैं और साथ ही साथ ये हमारे बड़े भाई पिता तुल्य भी हैं। आज आप यहाँ उपस्थित हैं, ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है और आप भी, आपसे भी मैंने मेरे प्यारे बच्चों के साथ साथ मैंने भी आपसे बहुत कुछ सीखा, अर्थात आप हमारे आज के अभी से पूजनीय गुरु जी हैं, मैंने भी आपसे सीखा। प्यारे बच्चों, हमारे बीच में जो प्रोफेसर साहब बैठे हैं, क्या इनकी उम्र का आकलन है आपको? नहीं, ये हम लोगों से काफी बड़े हैं, काफी वरिष्ठ हैं। आज भी इस उम्र में वो एकदम आपकी तरह है, एक्टिव हैं। इनके बाद चीज से पता चला कि ये सुबह 2:30 बजे उठते हैं और इनकी शौक पढ़ाई करना है। आज भी ये शिक्षा से पढ़ाई से जुड़े हुए हैं। इनके स्वस्थता या इनके खूबसूरती का राज यही है आज जो मैंने पाया है। मुझे भी खूबसूरत होना है, मुझे भी अच्छा होना है, स्वस्थ होना है। सर जी ने कहा है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क की विकास होता है, ये मैंने आज आपसे सीख लिया है कि आपके स्वस्थ शरीर इसलिए कि आपके अंदर स्वस्थ मस्तिष्क है और आप स्वस्थ मस्तिष्क ये इसलिए है कि आप 1821 से लेकर के 1947 से तब गांधी जी की नीति को पढ़ने के साथ साथ आज वर्तमान गांधी की नीति में आप गए हुए हैं, अपने को अपडेट कर रहे हैं, इसलिए आप बहुत स्वस्थ हैं। तो मैं भी बहुत स्वस्थ रहूंगी, क्यों? क्योंकि आप लोगों के बीच में मैं रहती हूँ, आप लोगों से भी मैं रोज सीखती हूँ, मैं रोज अपडेट होंगी, रोज सीखूंगी। हर रोज सुबह होगा, हर रोज नया होगा, अगर रोज नया होगा, रोज सुबह होगा नए उजाले के साथ, मैं रोज नहीं होंगी और सर जी के साथ की तरह मैं भी स्वस्थ रहूंगी और मेरी भी उम्र का अंदाजा नहीं लगा पाएंगे। मैं आप टीनेजर के बीच में रोज अपडेट रहूंगी और मैं हमेशा जवान रहूंगी और यही अच्छी शिक्षा है। अच्छी शिक्षा क्या है? सर जी ने कहा आचार्य, आचार्य से ही आचार्य, आचार्य सब नहीं बन सकता है, आचार्य ही जिसके पास आचरण है वही आचार्य है, आचार्य संस्कार से होता है और यही असली शिक्षा होता है। और शिक्षा का ये भी स्वरूप है कि निरंतर सीखने सिखाने वाली ही शिक्षा ही सही मायने में शिक्षा होती है, जो निरंतर चलती रहती है। शिक्षा जो है गतिमान है, जो जीवन पर्यंत सीखने को मिलती है, वो शिक्षा चाहे सर जी से सीखी जाए, चाहे आपसे सीखी जाए, शिक्षा तो शिक्षा ही लेना है। और जब शिक्षा रहेगा तो हम लोग अपडेट रहेंगे और जब अपडेट रहेंगे तो हमारी उम्र के हमारे अनुभव को जो है पता नहीं हो पाएगा। पहले के जो आचार्य लोग थे, पहले के जो गुरुजन थे, वो लोग प्रैक्टिकली थे, अनुभवी थे, इसलिए हमारे जो है उस जमाने के शिष्य उस समय प्रैक्टिकली होते थे, थ्योरी कम था, उनके पास प्रैक्टिकल नॉलेज ज्यादा थे। आज वर्तमान समय में हमारे बच्चे जो है
प्रैक्टिकल नहीं है, अगर प्रैक्टिकल नहीं रहेगा तो समझो कि कैसे। लक्ष्य डिसाइड करो, उद्देश्य डिसाइड करो, उद्देश्य क्या है, आप शिक्षा क्यों ग्रहण कर रहे हैं। जरूरी नहीं है कि नौकरी पाने के लिए, लेकिन हम शिक्षा कर क्यों रहे हैं, शिक्षा ग्रहण क्यों कर रहे हैं। शिक्षा वही है जो अपने और लोगों के लिए काम आए, यही सही मायने में शिक्षा है। तो मैं ये कहूंगी, दो जोर टीम दो मोड़, दूर द मोड़, दो जोर टीम द मोड़, दूर द मोड़, मतलब सपने देखने से अधिक कार्य होते हैं। तुम सब प्यारे बच्चों सपने देखो, सपने सिद्ध देखोगे, उस दिन तुम जरूर सफल होगे और बेस्ट बेस्ट करोगे और अच्छा कार्य करोगे। लड़कियों के लिए आप बहुत, हम आप लोगों को पावरफुल कहा गया है, आप लोग आप सत्यमान है, शक्तिमान है, तो आप लोग शक्ति का प्रयोग करिए। और आप लोग छोटी छोटी बात में जो विचलन होता है, जो घबराहट होती है, जो बेचैनी होता है, उसको निकाल देखिए, मत डरिए, नहीं मत खत्म मतलब घबराइए और कहिए आई एम नॉट अफ्रेड टुमारो, आई लव टुडे, मतलब मैं आने वाले समय से भयभीत नहीं हूँ क्योंकि मुझे आज से प्यार है। राइट मैं नीचे शब्दों के साथ वक्तव्य समाप्त।